हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनन्यास कुक बुक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक विदाउट ऑनियन गार्लिक मशरूम रेसिपी बना रही हूं। चलिए देखते हैं। यहां पे मैं मशरूम को छोटे छोटे पीस में काट के अच्छे से धो के रखी हूं। एक कढ़ाई में मैं पानी ली हूं। पानी में मैं हल्दी और नमक डाली हूं। जब पानी गर्म हो जाएगा उसमें जो काट के रखी थी मशरूम वो डाल रही हूं। 4-5 मिनट बॉईल होने के बाद मशरूम को पानी से छान लेंगे। अभी एक कढ़ाई में मैं थोड़ा तेल ली हूँ। सभी मशरूम को तेल में फ्राई कर लेंगे। जब तक मशरूम फ्राई हो रहा है मसाला बना लेंगे। मिक्सी जार में मैं अदरक और ग्रीन चिली ली। इसमें थोड़ा अभी मगज यानी कि वाटरमेलन सीड और काजू लेके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला मशरूम के हिसाब से लेंगे। मशरूम अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको अभी निकाल लेंगे। उसी तेल में जो ग्राइंड करके मसाला रखे थे वो डाल देंगे और मसाला को अच्छे से कुछ देर के लिए भून लेंगे। मसाला कुछ देर भूनने के बाद उसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे। मसाला अच्छे से होने के बाद उसमें मैं टमाटर केचप एंड मस्टर्ड सॉस भी डाल रही हूँ। ये मार्केट में मस्टर्ड सॉस अवेलेबल है। मसाला और सभी सॉस अच्छे से मिलने के बाद उसमें जो फ्राई करके रखे थे मशरूम वो ऐड कर देंगे और कुछ देर फ्राई कर लेंगे। लास्ट में अपने थिकनेस के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। बन के रेडी हो गया है मशरूम करी। ऊपर से थोड़ा कोरिएंडर लीव्स भी डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।